हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस के इस वीडियो में हम लोएस्ट टर्म या तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। अ फ्रैक्शन इज इन द लोएस्ट टर्म व्हेन द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज वन। किसी भी फ्रैक्शन के लिए अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर अगर वन मिल रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन मिल रहा हो, उसको हम बोलते हैं कि फ्रैक्शन इज इन द लोएस्ट फॉर्म और यू कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म। विच मीन्स इफ द एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज वन, मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ हम फाइंड करेंगे और अगर वो एचसीएफ वन आ गया तो हम कहेंगे कि फ्रैक्शन उसके लोएस्ट फॉर्म में है। एक एग्जांपल लेते हैं। चेक वेदर द फ्रैक्शन 9/24 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। 9/24 फ्रैक्शन जो है वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में या तो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं। सबसे पहले उसके स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। सेकंड स्टेप में उन फैक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें से हम कॉमन फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाएंगे और कॉमन फैक्टर्स की उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कहलाएगा अपना एचसीएफ। हम उस HCF को चेक करेंगे और अगर वो HCF 1 आया तो अपना गिवन फ्रैक्शन उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। चलिए इस सम को हम आगे बढ़ाते हैं। न्यूमरेटर है 9 और 9 के फैक्टर से 1, 3, 9। डिनोमिनेटर है 24, उसके फैक्टर से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स अपने को मिलेंगे सिर्फ 1 और 3। कॉमन फैक्टर्स का जो लिस्ट बना 1 और 3, उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 अपना एचसीएफ हो जाएगा। बट ये जो एचसीएफ 3 है वो एक्चुअली 1 होना चाहिए था, उसकी जगह पे वो 3 है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट 9/24 इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है? क्योंकि HCF 1 आना चाहिए लेकिन वो 1 की जगह पर 3 आ रहा है, राइट? चलिए एक और सम देखते हैं। अपने को इस सम में फ्रैक्शन दिया है 5/9। न्यूमरेटर 5 है, उसके फैक्टर से 1 एंड 5। डिनोमिनेटर है 9, उसके फैक्टर से 1, 3, 9। कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है कॉमन और वो है 1, और वही अपना बन जाएगा HCF। HCF of 5 and 9 is 1. 5 और 9 का HCF 1 आ रहा है. That means fraction 5/9 is in its simplest form. मैंने बोला था कि अगर HCF 1 आया तभी हम बोलेंगे कि अपना fraction simplest form में है. So in the case of 5/9 उसका HCF 1 आ रहा है, इसलिए वो simplest form में है. एक और सम देखते हैं। चेक वेदर द फ्रैक्शन 14/15 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट, या तो लोएस्ट टर्म में है कि नहीं। प्रोसेस वही का वही है। चलिए समझते हैं। अब हम चेक करेंगे कि फ्रैक्शन 14/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी कहलाता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 हो। HCF फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1, 14, 2 एंड 7। Factors of 15 are
एक और सम देखते हैं, उसमें भी हम चेक करेंगे कि 21 बाय 24 सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है हमें, सिर्फ HCF का आंसर 1 आ रहा है कि नहीं वो चेक करना होगा। हमें चेक करना है कि 21 बाय 24 सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी कहलाता है जब उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF 1 हो। HCF फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स ऑफ 21 are 1, 21, 3 and 7. Factors of 24 are 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4 and 6. यहाँ पे common factors है 1 and 3. यहाँ पे common factors है 1 and 3. So common factors 1 and 3. HCF is equal to 3. यहाँ पे HCF 1 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अच्छा, अगर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो वही है, रिड्यूस द फ्रैक्शन 12 बाय 30 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और यू कैन से लोएस्ट टर्म। और वो रिड्यूस टर्म में लाने के लिए, रिड्यूस टर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए हम दो अलग अलग मैथड्स देखेंगे। उसमें जो सबसे पहली मैथड है वो हम क्या करेंगे, 12 और 30 दोनों को उनके HCF से डिवाइड करेंगे। 12 और 30 दोनों को, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम उनके HCF से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम HCF से डिवाइड करेंगे तो अपना जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। मतलब उस बार सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर खुद ब खुद प्राइम नंबर्स बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये अपना फर्स्ट मेथड था। क्योंकि 12 और 30 दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। इसका HCF हमें इसका HCF जो भी निकलेगा उससे हमें 12 और 30 दोनों को डिवाइड करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 12, 2, 6, 3 एंड
इक्वल टू 5। 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो 12 बाय 30 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2 बाय 5। ये तो सिर्फ एक ही मेथड थी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए, दूसरी मेथड भी है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि 12 बाय 30 फर्स्ट प्राइम नंबर मतलब 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 12 और 30 दोनों ही इवन नंबर है तो दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू 6 एंड 2 इंटू 15। यहाँ पे हमारे 2 कट हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा 6 बाय 15। हमें चेक करना है कि 6 और 15 दोनों फर्स्ट प्राइम नंबर मतलब 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 6 तो इवन है पर 15 तो ऑड है, इसलिए वो तो नहीं है। अब हम सेकंड प्राइम नंबर मतलब कि 3, हम 3 से देखेंगे कि 6 और 15 दोनों 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 6 बाय 15 इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 5। यहाँ पर हमारे 3 कट हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 बाय 5। तो 12 बाय 30 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 2 बाय 5।